तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की सुनो आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ सॉरी यहाँ पर सुजला यहाँ पर योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको यहाँ पर पोर्टल जो है यहाँ पर जारी हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, आज ही आप आवेदन कर सकते हैं। किसानों को यहाँ पर फ्री में यहाँ पर पंप लगवाएगा, यहाँ पर सोलर पंप वो भी सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर दी जाएगी, जो भी यहाँ पर लगने वाला है, जो सरकार इसका स्वयं खर्चा उठाने वाला है। उससे पहले आपको बता दें यहाँ पर जो भी सरकारी वैकेंसीज होती है या कोई सा भी स्टेट से हो यहाँ पर वैकेंसीज या सरकारी योजना होती है, तो इसे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चले कि कौन सी आपके राज्य में वैकेंसीज या योजनाएं चल रही है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक भी दे देंगे। अभी कोई भी सवाल आपके मन में हो तो यहाँ पर हम पूछ सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट आप मैसेज कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपका अप्लाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहां से आप अप्लाई कर सकोगे। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना है। यहाँ पर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखते सौर सुलझा योजना के बारे में आपको छत्तीसगढ़ के किसानों के फ्री में देगी सोलर पंप, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलने वाला है। बस आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। उत्तर प्रदेश से इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के यहाँ पर एक तरफ से यहाँ पर देखते बड़ी यहाँ पर योजना ऐलान किया गया है। अगर आप भी किसान हैं, आपके घर में कोई किसानी आप लोग करते हैं तो आपको बताते चले, तो आपके लिए यहाँ पर सोलर पंप की आवश्यकता होती है, पड़ती है आपको भी। तो आपको बताते चले यहाँ पर देखते सरकार के सौर यहाँ पर सुजला यहाँ पर योजना के माध्यम से आपको यहाँ पर सोलर पंप लगवा करके देगी स्वयं सरकार, आपका खर्चा उठाने वाला है। तो बता दें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में आपको बता दें चले वह अपने राज्य के जहाँ में ज़्यादातर यहाँ पर जैसे संख्या का सोलर पंप आपको जैसे सोलर पंप लगाने लगवाना चाहता है, यहाँ पर लगवाने लोगों को लगवाने देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब आपको बता दें सोलर सुजला योजना क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की तरफ से यहाँ पर दिक्कत हैं पर सौर यहाँ पर सुजला यहाँ पर योजना का संचालित किया, शुरुआत यहाँ पर शुभारम्भ किया गया है। तो इस देख सकते हैं इस योजना के माध्यम से आपको बता दें यहाँ पर इस योजना के माध्यम से किसान भाई अपने खेतों में गौठानों में चारगाह और यहाँ पर गौशालों में इस यहाँ पर जिससे सोलर के योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगवा सकते हैं बिना किसी परेशानियाँ के। तो इस योजना के माध्यम से किसानों को यहाँ पर तीन प्रकार के सोलर पंप आपको लगवा सकते हैं, तीन तरह से आप अलग अलग यहाँ पर पावर में यहाँ पर सोलर पंप यहाँ पर लगवा सकते हैं। और आप कौन कौन से लगवा सकते हैं बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं यहाँ पर आप 2 HP वाला देख सकते हैं, 2 HP वाला सोलर पंप। तो यह पंप आपको बताते हैं 2 HP वाला कहाँ लगता है। यहाँ पर सब्जी की खेती करने वाले इसकी कीमत आपको बताते हैं, जो सब्जी की खेती आप करते हैं तो इसकी कीमत आपको 2500 रुपये देखने को मिलेगा यदि आप 2 HP वाले लगवाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 3 HP वाला सोलर पंप आपको बता दें, पर 3 HP वाला देख सकते हैं छोटे पैमाने खेती करने वाले किसान, जो छोटे किसान उनके लिए यहाँ पर जिसकी कीमत आपको 2 HP वाले का 2.5 लाख लगभग यहाँ पर पड़ सकता है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बताते चले यहाँ पर 5 HP वाला सोलर पंप तो धान की खेती के लिए मददगार है, जो इसका कीमत होने वाला है 3 लाख रुपये। यहाँ पर छोटे किसानों के लिए यहाँ पर 3 HP के लिए, बड़े किसानों के लिए 5 HP। ध्यान देने वाली बात है योजना के अंतर्गत खेतों के उठाने यहाँ पर चारागाह गौशाला में सोलर पंप लगाने के लिए आपको बताते चले आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपको योजना का लाभ भी यहाँ पर किया जाएगा, आपको योजना का लाभ आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाए वीडियो में तो देख सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़े से और जानकारी ले लेते हैं सौर सुजला योजना के बारे में। 24 के बारे में तो योजना के बारे में आपको देश योजना का नाम है छत्तीसगढ़ है सौर सुजला योजना, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किसने आरंभ किया, छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आरम्भ किया है। लाभार्थी छत्तीसगढ़ के जो भी नागरिक हैं किसान हैं वो यहाँ पर लाभ भी ले सकते हैं। उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर सोलर पंप उपलब्ध कराना देना। साल की बात करें तो 2024 में आरम्भ किया गया है। उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट तो www.creda.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप अप्लाई करोगे। कैसे करोगे आप वो वीडियो में बताएंगे। तो सौर सुजला योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है सरकार का, उसके बाद आपको जानकारी दे देते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के अन्य राज्यों के मुकाबले में देख सकते हैं अपने राज्य का सौर सुजला योजना के अंतर्गत आप सोलर पंप लगवाएगी। तो सरकार के जिन जिन क्षेत्रों में सोलर पंप लगवाने की बात कही है, अगर वहाँ आपका सोलर पंप लगवा देते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य की यहाँ पर GDP आपको पर यहाँ पर इसका आचार यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर महंगाई एवं बेरोजगारी भत्ता का स्तर भी कम हो सकता है इस योजना के तहत। इस तरह से आपका उद्देश्य सरकार रखा गया है। उसका तो आपको पता चले सौर सुजला योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा, कार्यान्वयन कैसे होगा इसके बारे में तो चलिए आपको बताते हैं। चलें कि यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोगों को जानकारी दे देते हैं आगे योजना का कार्य निर्माण यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर
तो आपको तो नीचे आप जो तालिका दिख रहा है उसके बारे में आपको जानकारी तालिका के हिसाब से आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले योजना का नाम, जैसे कि आपको पता है योजना का नाम है छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना 2024 है। इसका योजना का नाम किसके अधीन, तो बता दें यहाँ पर क्रीड़ा विभाग, छत्तीसगढ़ के क्रीड़ा विभाग के अंदर है यहाँ पर। उसके बाद आपको बताते चले संचालन किसने किया, तो वित्तीय यहाँ पर संचालक वर्ष 2024 के अंतर्गत। स्थापित सौर पंप लगभग 11,000, तो 11,000 पंप सौर पंप। लाभार्थी का चयन है कृषि विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यहाँ पर लाभार्थी का चयन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पात्रता देख सकते हैं, पहले से बोरवेल या पंप योजना के लाभार्थी हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण अधिकरण यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि विभाग से द्वारा पंजीकरण अधिकरण किया जाएगा। तो उसके बाद आपके बढ़ते हैं प्रतिशत हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको बता दें यहाँ पर सौर सुजला योजना में पात्रता कौन कौन रखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो पात्रता मापदंड क्या है इसका, उसके बारे में आपको जानकारी भी होना आवश्यक है। तो सौर सुजला योजना के अंतर्गत यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर पात्रता है जिसको आपको ध्यान में आपको रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस पात्रता का मापदंड के आधार पर आपको यहाँ पर आवेदन करने के बारे में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले आप पॉइंट बताने हैं लाभार्थी उम्मीदवार को। यहाँ पर पहला पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष या उससे भी उससे अधिक होना चाहिए, पहला इसका पात्रता है। उसके बाद सौर सुजला योजना के लिए हमें किसी भी आयु वर्ग, आपको आयु वर्ग के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद एक ही से ऐसे किसान जो गरीब हैं सोलर पंप नहीं खरीद सकते उनके लिए आवेदन बहुत यहाँ पर लाभदारी होने वाला है अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आप भी 2 हेक्टेयर के भूमि के हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, आप 2 हेक्टेयर जमीन तो आवेदन कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के नागरिक को ही दिया जाएगा, केवल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नागरिक को यहाँ पर इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर करना होगा पूर्ण। तो लाभार्थी को अपन आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है जिससे आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उसकी जानकारी आपको देने वाला है। आधार कार्ड, आपके पहचान के लिए आपका आधार कार्ड यहाँ पर अनिवार्य है, काफ़ी यहाँ पर जरूरी होता है। उसके बाद भूमि से संबंधित कागजात, आपको बता दें यहाँ पर भूमि से संबंधित यहाँ पर आपका कागजात होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं भूमि से कागजात, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, यहाँ पर फोटो कापी, आपका जो भी यहाँ पर लगने वाला है पासपोर्ट साइज, जो भी आपका बैंक खाता पर्ची, यहाँ पर आपको इतना आपको लगने वाला, ध्यान दें आपको इसके अलावा इसके जो भी आपको जैसे कि आपको बताएं इसके अलावा कई सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लग सकते हैं जो भी हमने स्किप कर दिया। आपको यहाँ पर क्रेडिट अड्डा में विभाग में आप कार्यालय में जाकर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आपको बता दें यहाँ पर आवेदन कैसे करोगे, यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड तो नहीं, इसके खेती का जो भी है पर्ची आपको लग सकता है, बैंक खाता यहाँ पर आपका लग सकता है, अन्य भी डॉक्यूमेंट लग सकता है, बस आपको यहाँ पर संपर्क कर लेना है। तो यहाँ पर आवेदन के लिए सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट पर आपको देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके छत्तीसगढ़ के सौर सुजला योजना के अधिकारी वेबसाइट www.creda.in, इसका अधिकारी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इसकी होम पेज पर सिंपल से आपको ओपन हो जाएगा। होम पेज पर ओपन कर दूसरा आपको बता दें यहाँ पर योजना के तहत ऑनलाइन क्लिक करना है, ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा। होम पेज पर क्लिक करके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ऑप्शन पर आपको कुछ सिर्फ सौर सुजला योजना के आवेदन पर क्लिक करके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, आवेदन भरे। आपको तीसरा स्टेप में क्या करना है, ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जानकारी पूछी जाएगी, यहाँ पर सभी को आपको यहाँ पर आपको सामने एक नए पेज खोल के सामने आ जाएगा। योजना के आवेदन के लिए आपको कुछ यहाँ पर जानकारी यहाँ पर भरने को बोल सकता है, जैसे कि आपको नीचे हम बता रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक जो भी आपको पढ़े आपको भर लेना है, क्या भरना है उसके नीचे आपको बताएंगे कौन। यहाँ पर पहले तो आपको फॉर्म में जो मंगेगा उसको भर लेना है, आवेदन फॉर्म में जानकारी दर्ज करें। आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित आपको जानने बेहद जरूरी है जो कि आपको नीचे हम बता रहे हैं, उसी के बारे में आपको बात किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन को फॉर्म में आपको भरना जरूरी होगा, वो आप पहले का आवेदन का नाम जो अभी अप्लाई करेंगे उसका नाम, उसके बाद यहाँ पर लिंक मेल है या फीमेल है, उसके लगने वाला पिता या पति का नाम यहाँ पर डालना होगा, स्थापना स्थल जहाँ पर बोर्ड कौन है, हितग्राही का नाम यहाँ पूरा नाम यहाँ पर लिखना होगा, विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, उसके बाद गाँव आपका जो भी गाँव आता है वो लिखना है, विकासखंड लिखने के बाद दूरभाष मोबाइल नंबर यहाँ पर क्रमांक लिखना होगा, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना होगा, उसके बाद वोटर कार्ड नंबर, आधार कार्ड के बाद आपको वोटर कार्ड नंबर, उसके बाद विद्युत कनेक्शन के लिए यहाँ पर डिमांड नोट क्रमांक यहाँ पर आपको लगने वाला है, उसके बाद प्रस्तावित आपको भूमि का खसरा नंबर यहाँ पर देखते हैं कुल रकबा कितने है, उसके बाद आपका जल का स्रोत, यहाँ पर आवेदन का वर्ग, तब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पंप की क्षमता, और यहाँ पर जो भी आपको पंप क्षमता रखवाना है तो प्रस्तावित सोलर पंप का यहाँ पर होगा प्रकार, यहाँ पर आपको फॉर्म में जो भी यहाँ पर बैंक का जानकारी यहाँ पर आपको देना होगा, फॉर्म में इतना कुछ आपको भरना होगा। सिंपल से 5वें स्टेप में आपको क्या करना है, सबमिट करना होगा।
तो फिर सबसे पहले आपको दिखती आपको कुछ जानकारी आपको बता दें, सिंपल से आपको इसमें भर लेना है। उसके बाद योजना के आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने लेने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट पर आपको देख सकते हैं आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट ऑप्शन पर मिलेगा, वहीं से आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर रजिस्टर को प्रिंट आउट कैसे निकालोगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले सबमिट करने के बाद रजिस्टर फॉर्म पर प्रिंट आउट यहाँ पर निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप आवेदन फॉर्म पर सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहीं से आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा और उसे क्लिक करने के बाद अपने आवेदन फॉर्म पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको प्रिंट आउट निकालने का किसी सुरक्षित यहाँ पर उसको रख लेना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो किसी ऑनलाइन करा लेना, उसका आपको लाभ भी आपको जरूरी जानकारी लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर सौ शुरुआत की योजना के अंतर्गत वन और दूर यहाँ पर स्थल इलाकों में बिजली पहुँचने का उद्देश्य है ताकि किसान अपने खेतों में सिंचाई यहाँ पर कर सके। योजना के तहत सरकार यहाँ पर सस्ते दाम पर यहाँ पर सोलर पंप लगाने यहाँ पर दावा कर रही है। तो पहले किसान का लाभ लेने के लिए योजना का आरंभ, तो लाभ लेने के लिए आपको देखते हैं लाभ क्या क्या देगी सरकार, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं किसान के लिए योजना का आरंभ। योजना के अंतर्गत किसान को सिंचाई के लिए यहाँ पर सोलर पंप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद सोलर पंप प्रकार यहाँ पर बहुत जो भी यहाँ पर आप लगवाना चाहते हैं तीन प्रकार के, जैसे आपको 2 HP 3 HP 5 HP का विभिन्न प्रकार के उद्देश्य पे रखा गया है। पंप की कीमत आपको 2 HP का 25,000 पड़ने वाला है और 3 HP का जो 2.5 लाख और 5 HP का इसमें यहाँ पर 3 लाख रुपये, जैसे कि आपको ऊपर में जैसे कि हम बता चुके हैं इतना आपको इस हिसाब से आपका यहाँ पर लगने वाला जो कि यहाँ पर सरकार यहाँ पर आपको देने वाला है। उसके बाद यहाँ पर विवरण की प्रक्रिया, तो यहाँ पर विवरण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को तीन तरह से यहाँ पर सोलर पंप आप लगा सकते हैं। 2 HP का यहाँ पर सब्जियों की खेती के लिए, जैसे कि आपको इनका जानकारी आपको ऊपर में दे चुके हैं। इस तरह से आपको तीन प्रकार के सोलर पंप आप लगा सकते हैं। सबसे आप पहले आप 2 HP का से किसी सब्जियों की खेती करें तो आप यहाँ पर 2 HP का लगा सकते हैं। अगर छोटे पैमाने के आप किसान हैं तो यहाँ पर 3 HP का और बड़े किसान होंगे तो यहाँ पर 5 HP का यहाँ पर लगवा सकते हैं। लाभार्थी की संख्या, तो योजना के तहत यहाँ पर लाखों किसानों को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप भी इसमें अप्लाई बिल्कुल कीजिएगा, टाइम से रहते पहले आप इसमें अप्लाई कर देना। क्रेडा के माध्यम से संचालन, छत्तीसगढ़ क्रेडा विभाग के तरफ से संचालन किया जा रहा है, आप बिल्कुल अप्लाई करें। यहाँ पर डेटा यहाँ पर डेट से पहले अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो किसी यहाँ पर ऑनलाइन सेंटर में आप संपर्क करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं।